नसीराबाद थाना क्षेत्र के बबनपुर गांव में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत जैसे दिल दहला देने वाली घटना से समूचे जिले में सनसनी फैल गई है। बता दें कि एक ही कमरे में पति पत्नी व उसकी 3 वर्षीय बेटी का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से समूचे जिले में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार नसीराबाद थाना क्षेत्र के बबनपुर गांव में 27 वर्षीय विवाहिता मोनी पत्नी शिव कुमार व उसके पति शिव कुमार उर्फ शिबू पुत्र रामेश्वर प्रसाद व 3 वर्षीय बेटी अवनी का संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे के अंदर आग से जला शव मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही IG SK भगत, पुलिस अधीक्षक स्वप्निल मगमाई समेत जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे एवं घटनास्थल का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक पूरे दुबे मजरे बबनपुर निवासी सोनू दुबे दूध देने आया तो कोई दिखा ही नहीं, तो आवाज लगाई पर कोई बोला नहीं और कमरे से गंध आ रही थी। आसपास के लोग जब घटनास्थल पर पहुंचे तो घर के अंदर देखा तो पति पत्नी और बेटी की लाश पड़ी थी, जिसे देखकर सभी सन रह गए। मामले की जानकारी होते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में पुलिस फोर्स के साथ पहुंची और नसीराबाद थाना अध्यक्ष रविंदर सोनकर ने अपने उच्च अधिकारियों को इससे अवगत करवाया, जिसके बाद फोरेंसिक टीम के साथ पहुंचे सलोन CEO प्रभारी राघवेंद्र चतुर्वेदी जांच पड़ताल में जुट गए। वहीं एडिशनल SP नित्यानंद राय, SP स्वप्निल मगमई, IG SK भगत सिंह, कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। आपको बता दें कि मृतक अक्षय कुमार के माता पिता जालंधर में हैं। पति पत्नी और बेटी की मौत से समूचे क्षेत्र में मातम पसर गया है। वहीं एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत के पीछे ग्रामीण तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। बड़ी घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची IG SK भगत ने मीडिया को बताया कि चारों तरफ से कमरा बंद मिला है। प्रथम दृष्टि बाहर से लगता है कि बाहर से अंदर किसी के आने की संभावना नहीं है। घटना दिन की है, आसपास के लोगों से जानकारी ली गई है। कोई ऐसा संदिग्ध नहीं दिखा है जिस पर शक हो। मेरे नोट से प्रतीत होता है कि मृतक शिव कुमार काफी डिप्रेशन में था। हालांकि परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जिनकी तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। जितने भी तथ्य व साक्ष्य इकट्ठे हुए हैं एवं फोरेंसिक टीम जो कि एविडेंस मिले हैं, सभी की गहनता से जाँच की जा रही है। PM रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की सही स्थिति सामने आ जाएगी। रायबरेली से संवाददाता सुधीर अग्निहोत्री की रिपोर्ट। मौतों की सर देखिए, आपके सामने सारी जांच पड़ताल हुई है और आप लोग यहीं पे इर्द गिर्द पूरे बाजार में घूम भी रहे हैं। जो घटनाक्रम था, करीब लगभग 8:28 कल शाम को ये सूचना मिली, दूधिया इनके आए थे दूध देने के लिए, नहीं खोला तो इन्होंने अड़ोस पड़ोस के लोगों जिनके जानने वाले को बुला के लोगों को चढ़वाया है पीछे से, और जो है उसके बाद दरवाज़ा खोली गई है। दरवाज़ा खोलने के बाद जो हालात अंदर के दिखे, उसमें शुरू में ये ऐसा प्रतीत हुआ कि वाइफ और बच्चे की जलने से मौत हुई। उसके बाद फिर जब फॉरेंसिक की टीमें आई और उसके बाद देखा कि वहीं पर हस्बैंड की भी डेड बॉडी पड़ी हुई है, जले दशा। मौके पर कोई ऐसी पूरी जो है तहकीकात की गई, बाहर से कमरा बंद है चारों तरफ। मैंने SP साहब और फॉरेंसिक टीम ने अभी तक जांच की है, चारों तरफ से कहीं अंदर आने का एंट्री, फोर्स्ड एंट्री या इस तरह की कोई बात अभी प्रथम दृष्टया नहीं प्रतीत हो रही। शाम का समय है, जो घटना देखने से प्रतीत हो रहा है ये शाम को 4:30-5 बजे के आसपास की घटना है। तो दिन में इस तरह की घटना होना और किसी बाज़ार में किसी अड़ोस पड़ोस के लोग सब बैठे हुए हैं और कुछ ना दिखना, कुछ भी नहीं दिखा है ऐसा कोई संदिग्ध चीज़। लेकिन बहरहाल परिजनों ने हत्या की आशंका जताई, उसके तहत जो है अपराध पंजीकृत कर लिया गया है। सभी तथ्यों को, जो इनके कर्ज थे, जो इनके देनदार थे, जिनके साथ इनकी छोटी मोटी विवाद थी, ये सारी तथ्यों की पूरी विस्तृत जांच की जा रही है SP साहब के द्वारा, और जैसे तथ्य आएंगे आपको। सर मृतक क्या कर्जदार भी था? अब जो अभी परिजन बता रहे हैं और जो गांव वाले बता रहे हैं, उससे जो है ये प्रतीत हो रहा है कि कुछ बिजनेस इनकी काफ़ी लॉस पे चल रही थी और ये डिप्रेशन में भी थे, और जो है घर में जो नोट पत्नी का लगभग 18 पेज का नोट मिला है उसमें भी कुछ डिप्रेशन टाइप की चीज़ें की तथ्य सामने आ रहे हैं।
हस्बैंड का भी कुछ एक छोटा सा नोट मिला है जो अभी बताने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही। सारी चीज़ों की जितनी भी तथ्य इकट्ठा हुए हैं और जितने भी फॉरेंसिक एविडेंसेज इकट्ठा हुए हैं सबकी बारीकी से जांच की जा रही है और जैसे तथ्य आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.